कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं है। कौन सी कॉपी नहीं है? जिसमें टेस्ट देते हैं। वैसे डुगू से ले लो, 3-in-1 वाली है इसके पास। देखो भाई 2 से क्या, 2-6 है, वेरी गुड। 2-3 से ही कर रहे हो, अब 3 से करना है। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 से, 3 से जा रहा है कोई तो 3 से करना है। अरे मेरे पास होगी तो देखती हूँ, मेरे पास है ना 3-in-1, इसलिए मैं कह रही हूँ उसमें कर लूंगी। अपना सामान लेके आए करो ना। अरे मोदी, मैंने इससे कादर रख दे भाई। चलो ठीक है, आज छोड़ दे रही हूँ, तबीयत खराब है तुम्हारी, इसलिए इसमें कर लेना हिंदी वाले पोर्शन में, ठीक है? मैथ्स वाले मत करना, कि मैथ्स के से जरूरत है, हिंदी वाले में कर लो। खोल के दिया तो है मैंने हिंदी वाला पोर्शन, वहीं पे टेस्ट कर लो तुम। थोड़ा करो, बता देना जब करना है। यूनियन टाइटल याद हो गया? सुन लूं मैं? हूँ लो सुनो, मैं सुन लेती हूँ। बुक को छोड़ दो, बुक छोड़ दो। कहाँ पे? पुडुचेरी, कावरत्ती, चंडीगढ़ का बताओ। चंडीगढ़ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरा एक है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन, दमन, दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, वेरी गुड, श्रीनगर या जम्मू, लद्दाख, कारगिल के आर, कारगिल जी आई एल, सही नाम है, लक्षद्वीप, लावई, लक्षद्वीप, सीधे बैठो, लेटना नहीं है, कावा, लेटना नहीं है, कावा, हाँ सही बता रहे हो, गुड, राती, राती, स्पेलिंग सही करो, कावरत्ती की पुट्टू ये बेटा के सही लिखो, ऐसे चेक नहीं होगा, ये ढंग से लिखोगे पूरा बनाओगे वर्ड तो ठीक है, नहीं तो मैं चेक नहीं करूंगी। PUDDU स्पेलिंग उसमें से देखो कावरत्ती की अपनी बुक से। हाँ भाई, पुडुचेरी, पौंडीचेरी, पुडुचेरी बोलो, वेरी गुड। कावरत्ती की स्पेलिंग बताओ। KVA KVA RATI लेह की बताओ, लेह आ रहा है तुम्हें? जल्दी करो फटाफट। LALEH वेरी गुड। कारगिल की, कारगिल, KARGIL, गिल, श्रीनगर, श्रीनगर, SRI, वेरी गुड, और नगर, NAGAR, गुड। जम्मू की बताओ, JAFFU, दमन, लाओ, दमन की बताओ, दमन, वो वाले फिर से करने हैं पूरे, वो गलत है ना, इसलिए सर्कल किया है। इधर आओ भाई, तुम इधर आओ, आओ इधर आओ ना, ये हुआ। अब ये टी अच्छे से मैंने बताया, मोड़ के बनाओ, ये कितना गंदा लिखते हो, इसमें सा ये यू पूरा बनाना है ऐसे। अब एक ही बार लिखा गया, इतनी देर में एक बार और लिखो, फटाफट करो। हाँ बोलो, एक बार स्पेलिंग सही से लर्न कर लो, थोड़ी सी गलत। अब साफ साफ लिखना है, गंदा हुआ मैं काट दूंगी, साफ साफ लिखो। और इधर बैठो ना, वहाँ बैठा रखा है, वहाँ नहीं है, इधर बैठो, इधर से वो टेप नहीं ले जाती तो इधर बैठ जाओ ना, है तो स्पेस यहाँ, तुम दिखोगे नहीं, तुम बैठ के आओगे याद करो, थोड़ी देर से बैठ जाओ इधर, तुम वैसे भी याद कर रहे हो, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ इधर, इससे पिक लॉन्च बैठ जाओ। CHINDIGRH वेरी गुड, चंडीगढ़ याद कर लो, आगे को बैठ जाओ। और DAMAN दिल्ली, पहले चला लो आराम से, लो बुक हटा दी, SRI 3, अब नरेश का पेज हटा लो, तनिष्का उधर को कर लो, थोड़ा दूर कर लो, उसके पैर से चला लो, पैर फैलाने तो आराम से बैठ के लिखो। वेरी गुड, सही कर रहे हो। अभी गड़बड़ क्या कर दिया, टू से किया, टू से सिक्स, टू के टेबल में आता है ना, तो फिर से करना चाहिए, टू से ही गलती हो रही है।
एक ही डिजिट से हो सकता है दो बार तीन बार करना पड़ जाता है, कई बार किसी किसी संभव हो नहीं, ध्यान देना तुम। ऐसा लाइसरी एंड इन द वीडियो पहले मैं तो तुरंत ही चेक कर लूंगी कि सम तुम्हारा कैसे लगा था, बैठी रहेगी घर से एक से पचास तक गिनती लिख के ले आना साफ साफ। ये याद करवा चुकी हूँ, इसलिए घर से यहाँ पे रीडिंग करके दिखाओगे, स्टोरी रीड करोगे। यहाँ पे हिंदी की स्टोरी पढ़नी है, घर से एक से पचास तक गिनती लिख लाना। हाँ वो वाली पढ़ रही है, दिवाली वाली पूरी वो तो ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। आपने पूछा था कि आप मुझे एक बार बता सकते हो, ऐसे तो आपने बता रखा है, पर मैं आपसे एक बार और पूछना चाहती हूँ। ये वाला वो बैग में रख दो, ये वाला इसका रजिस्टर उसके हुई है कॉपी, इसके बैग में रख दो नक्श के। हाँ बताओ क्या पूछना है। ये वाला जो आपने करवाया ऐसे ही कैसे करवाया? मैंने बताया था एलसीएम ले ऊपर करके बताया, एलसीएम ऊपर ऊपर बताना, वाई स्क्वायर जो भी हो सबको अलग करके तुम एलसीएम लेके देखो, नहीं आ रहा फिर भी तो फिर ये हो गया। मोदी जी पहले मेरा सुन लो, नहीं सुनना, साफ साफ लिखो पहले एक बार और फिर उसके बाद में होगा। हाँ भाई दमन की स्पेलिंग बताओ। दमन डी ए एम ए एन। वेरी गुड। पोर्ट ब्लेयर की बताओ। पी आर टी पोर्ट बी एल ए आई आर। दिल्ली की बताओ। डी एल एच आई। चंडीगढ़ सी एच ए एन एम डी आई जी ए आर एच। वेरी गुड। श्रीनगर की बताओ। एस आर आई श्री एम ए जी आर श्रीनगर। जम्मू की बताओ। जे डबल एम यू। लेह ले एल ई एच। और कारगिल करगिल के ए के आपका जी आई एल जी। कारगिल का कावराती कावराती के ए वी ए आर ए डबल टी आई। पुडुचेरी पी यू डी यू। वेरी गुड। और चेरी सी एच डबल ई आर वाई। सी एच ई डबल आर वाई आ रहा है तुम्हें करना, ठीक है। हाँ कावराती की क्या बताई? कावराती के ए वी ए आर ए डबल टी आई। कर रहे हो टेस्ट? हाँ। देखना देख लो एक बार, टेस्ट करो। देख रहा है टेस्ट को। और ये 15 कैसे आए यहाँ पे? टू से डिवाइड किया नीचे 6 को, टू का टेबल 6 बड़ा 3 जा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 5 जा तो 15 आ गया। वहाँ ला दिखाओ कैसे किया तुमने। हो गया कॉपी दे दो, मैंने कॉपी दे दो, कॉपी दे दो मुझे। नोटबुक मेरे पास है थ्री। अरे तुम्हारी हिंदी वो हिंदी की है, हिंदी नहीं इंग्लिश की थी ना तुम्हारी तो। अरे इंग्लिश तो भाई इंग्लिश की हुई है। नहीं इंग्लिश की मैं लिखकर ग्रामर की है, ये तो ग्रामर की ला रखी है मैंने। नॉट नॉट देखना वो इसके पास तो नहीं है कि तुम्हारे बैग में रख दिया तुमने। ये बैग में क्यों रख देते हो, जिसका काम में देती बैग में घुसा देते हो उसको। ठीक है एक और रह रहा है, यहाँ कर लो, यहाँ तो मैं यहीं पे आंसर लिखा दूंगी कि ये कर लो। कौन से रह रहे हैं? चार थे ना पीछे जो गड़बड़ हो रहे थे तुम्हारे, तीन हो गए, एक और करो। हाँ दिया नहीं मैंने तुम्हें? नहीं। तो किसका काम? अच्छा लिखा नहीं मैंने, मैंने सोचा चलो मैथ्स का कर लो, सॉरी मैं सोच रही कि लिख के रखा है मैंने, एक्चुअली इसके गलत थे ना उनको सही करने में, मुझे लगा मैंने लिख दिया। अभी मैथ्स का ना, मैथ्स के ये याद कर लो कैसी शेप है ये, अभी मैं सुनूंगी फिर बाद में लाइन सेगमेंट बनाना, या लाइन सेगमेंट बना दो तुम इतने इतने वो काम कर रहे हैं ना, ये बना दो 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचना। हाँ कितने में? चार थे ना गड़बड़ तुम्हारे, एक दो तीन चार, तो कौन सा नहीं किया तुमने? अच्छा। तो करो ये वाला, आप इनका भी लोगे वो सेफ थी जो। हाँ वो याद करने हैं तुम्हें, अभी ये बना लो तुम स्केल से, क्योंकि स्केल शायद एक ही है मुझे लगता है तुम्हारे पास है। नहीं दो है। बना लो तुम, कोई नहीं अभी ये वाला बना लो, फिर उसको बनवा दूंगी बाद में, इतने में लिख के रख रही हूँ तुम्हारे। देना बुक दे दो मुझे, बुक देना किसकी? मैथ की। हाँ मैथ की नहीं सॉरी उसकी एसएसटी की बुक दे दो। लो थैंक यू, बनाओ, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है? मुझसे पूछ लेना कैसे बनाना है। से करना है तो जीरो से थोड़ा नीचे खींच लो, इसलिए मैंने लाइन दिया। लाइन कैसा होता है?
अपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे ये बुक भी क्या रेक्टेंगुलर है, इधर आमने सामने की बराबर होती है। ज्योमेट्री बॉक्स हो गया तुम्हारा, ये देखो ये रेक्टेंगल की शेप में। स्क्वायर चारों साइड बराबर होती है। अरे भाई ये ध्यान नहीं दिया, मैं यूनियन टेरिटरी के नाम भी याद करने हैं, ये भी याद करने थे, फिर खुद ही लिखना है, तभी तो मैं लिखी नहीं, मैं कह रही क्या है गड़बड़। ये भी याद करने, फिर इनकी कैपिटल भी लिखनी है, ये याद करनी पड़ेगी, यूनियन टेरिटरी बाद में कर लेना थोड़ी देर बाद, ये भी याद करना पड़ेगा। लाओ दिखाओ कैसी है तुम्हें, हाँ नाम याद करना है, तभी तो टेस्ट होगा ना, यूनियन टेरिटरी भी उनकी कैपिटल, दोनों चीजें आएंगी एग्जाम में। अरे मैंने ज़्यादा करो तुम अपना, जल्दी कर लो काम। हाँ गुड, सही कर रहे हो तुम। अरे बुक से लिख लो ना, सामने रख के बार बार पीछे पलट रहे हो, कब तक? और डूब तेरे पास रख मेरी तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, गंदा काम है तो पनिशमेंट ऐसी मिलती है। कितने दिन से समझा रही हूँ, रोज एक ही बात समझा रही हूँ ना कि साफ लिख के लाओ साफ। अब घर में तो पूरा दिन फ्री थे तो ऐसे करोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, पढ़ना तो इसी को है। देखो आओ क्या गलती कर रहे हो, अब टू का टेबल कर ले तो कुछ बचा ही नहीं, किसका करना चाहिए सीधे, अब थ्री भी नहीं है ना, थ्री का फोर तो सीधे फाइव से होगा। मैंने तो रोज तुम्हें वार्निंग दी भी ऐसे नहीं करना, सेवन की लाओ स्केल दो। अब ये लाइन थोड़ी गड़बड़ है वो तुम्हारी, देखो देखो सेवन की है ना थोड़ा सा एक दो पॉइंट, पर इसको बिल्कुल सीधा मैंने कैसे बताया था खींचना, मैंने बताया था ऐसे रखना, तुम रख के और ये उंगली है ना इधर वाली लेफ्ट वाले की ऐसे दबा के रख देना, यहाँ इधर से तो लेना मत थोड़ा सा आगे से, एक एक आधा ना बॉक्स छोड़ के तब लेना, देखो यहाँ से ले लेना है ठीक है, इससे पे रख लो इस लाइन पे, और फिर यहाँ से फिर उसको एक बार ना ऐसे दबा देना, पहले तो हल्की सी ऐसे बिंदी लगा लो, ये डॉट लगा लो, यहाँ लगा दिया एक डॉट, यहाँ लाइन पे रख लो तो ईजी होगा, देखो यहाँ से यहाँ डॉट, एक डॉट यहाँ, अरे डिस्टर्ब मत करो दो मिनट, ऐसे रख लिया आप, देखो ऐसे ऐसे तीन चार उंगली से दबा देना कस के, फिर सीधे एक ही बार में ये ऐसे दबा के रखना, हिले ना स्केल बिल्कुल, फिर ऐसे खींचो अभी तुम, एक ही बार में खींचना, ऐसे तो नहीं खींचेगा तुमसे, ऐसे नहीं ऐसे खींचेगा, देखो रखा है ना तो यहाँ से खींचे ऊपर करके, ऐसे यहाँ ऐसे एक ही बार में दबा के नीचे से दबाते ऊपर से नहीं, नीचे क्या हो गया, रुको एक मिनट, क्या कर दिया से क्या, क्या चीज नहीं है इसके पास, यू बोल रहे अभी तो साफ लिख रहे हो, साफ हो रहा है काम, घर से साफ नहीं होता तुम्हारा काम, ऐसे साफ लिखा करो, देखो गुड मिलेगा, फिर देखो यहाँ ये देखो कैपिटल की गलत, तुम्हें तो आती है कैपिटल की, फिर भी गलत होगी, सी ए पी आई टी ए एल, आई को मिटा दो ठीक है, और एक ये गड़बड़, देखो अब तुम्हारी हैंडराइटिंग सुधर जा रही है बिल्कुल, टेरिटरीज भी अच्छा लिख दिया तुमने, तो इसके सही कर दो, ए के पहले आई मिटा दो, पूरा मिटा के लिख दो, टी के बाद मिटा के फिर लिखो, अच्छा लिख रहे हो बिल्कुल सुंदर, इस तरह से ही रोज लिखना है जैसा अभी लिखा है तुमने, इतनी छोटी छोटी चीजों पर रोने लगते हो गए सारे वाले, आगे समझ में तुम्हें, अब क्या अब इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लर्न करो, मैथ्स बाद में कराएंगे तुम्हारा, ये तो मैथ्स का मैंने वो सही करवाया जो घर से गलत हो गया था ना, मैथ्स का ये तो वो करवाया है जो घर से दिया था गलत हो रहे थे वो सम कराया ना सही, मैथ्स का करेंगे अभी बाद में, अभी तुम इंग्लिश का लर्न करके सुनाओ मुझे वो लेसन, कॉपी निकालो अपनी नोटबुक, इसमें से नहीं कॉपी से निकालो, स्कूल वाली से करना है क्वेश्चन पढ़ना है उसी से करो, इसको रख दो साइड में, मैथ्स बाद में करना है अभी।
ऐसे ही लिखो, अभी कितना चमका के लिखा तुमने, आता सब है, गंदा काम करते हो फिर भी आते हुए भी, वेरी गुड, कितनी सुंदर लाइन खींची, ऐसी तो खींचनी है तुम्हें। अब इसका देखो कंस्ट्रक्ट माने बनाओ, ए लाइन सेगमेंट, क्या ये लाइन है, देखो एंड बिंदी है ना दो तरफ, इधर भी इधर खत्म हो गई, ए बी, यहाँ ए लिख दो और यहाँ बी, ठीक है, और बीच में लिख दो 7 सेंटीमीटर, ए लिखो बड़ा ए कैपिटल, टच करके मत लिखना ऊपर, हाँ वेरी गुड, यहाँ बी लिख दो, ऊपर टच नहीं करना, और यहाँ बीच में 7 सेंटीमीटर लिख दो, टच मत करना ऊपर, ऐसे बनानी है, अब तुम्हें तो बनानी आ गई बिल्कुल सुंदर, पता चल गया कैसे रखते हैं हाथ ऐसे, और दिखना भी चाहिए कहाँ खींच रहे हो आप, 4 सेंटीमीटर, और नाम क्या देना है इस बार, एक्स वाई, चलो खींचो, तुम तो खुद ही बना लोगे अब, मासी जी आई एम रेडी, लाओ पहले 6.1 का फिर 6.2 का दे दो, इधर को अब इतना टाइम नहीं है, दो फटाफट लाओ, हाँ दिए थे घर से सीधे सुनूंगी, यहाँ पे याद करने की बैठाऊंगी, जो चीज घर से दी हो घर से ही याद करके आना, नंबर भी मिलेंगे ना, डंडे भी बचेंगे अगर गलती होगी तो, ठीक है लाओ स्केल दो, बहुत अच्छी खींची है, थोड़ी सी वो ये बाकी ठीक खींची हो, तुम्हें तो समझ आ गई, नहीं यहाँ तक थी बाबू, यहाँ से आगे हुई है ना ये हुआ है जो तुम्हारा, ये मिटाना पड़ेगा, ये जो काला काला हो रहा है ना जहाँ से, बस वो मिटा दो, इधर पीछे का बिंदी मैंने लगाई है ना दिख रही है वहां तक है, इधर का मिटा दो थोड़ा सा, उसके पीछे का मिटा दो और लिख दो इसको एक्स वाई नाम दे दो, पढ़ लो, इतने बैठी हो पढ़ लो, और क्या पढ़ने के लिए, क्या मूर्त निकलेगा, तो कह रही है पढ़ लूं, पूछ के पढ़ेगी जैसे, अगर पढ़ लेगी क्या पता पेट खराब हो गया इसका, कुछ गड़बड़ हो गया, कह रही पढ़ लूं, देखो ये कैपिटल बनाना है, कैपिटल जैसे पूरा एक्स बनाओ है ना, ये वाई भी ऐसे, अरे बनाओ, इसमें क्या कंस्ट्रक्टर लाइन है और लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसमें नाम नहीं दे रखा ना, तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो, ए बी लिख दो, पी क्यू लिख दो, एम एन लिख दो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, अब तुम अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हो उसका, लो ये रहा स्केल, ठीक है देखो कबूतरों के चक्कर में पागल हो गए, कौन आवाज नहीं आ रही, हां पहले तो ज्यादा ही चिल्लाते थे, अब थोड़ा कम हो गया इनका चिल्लाना है ना, अब थोड़े कम हो गए, आवाज नहीं आ रही, अब कंट्रोल हो गया बेचारे, आओ पढ़ते पढ़ते कुछ करते हैं नहीं, बस पूरे दिन छत पे टंगे रहते हैं, अरे चलो हम घूमो, क्या पता पढ़ के कबूतर उड़ाते हैं, हां जैसे कहता हमने होमवर्क कर लिया है, बस आधे घंटे पहले ट्यूशन से भी आ गया, आधे घंटे पहले होमवर्क भी कर लिया, झगड़ा आ गया था होमवर्क इतनी जल्दी छोड़ना होता है, लो मिस्टर पकड़ो, सिक्स पॉइंट टू भी दे दी, वन दिए सिर्फ, यस इतनी बार आधा देख के तो सिंपल ही ना, वही तो तुम्हें आना चाहिए किसको कांस्टेंट नंबर, ये तक तो सिंपल ही है, तो नंबर डाल देना कि ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट कर रही हूं मैं, आज रेड पेन से, आज रेड ही है तो वो तो रेड वाला ही है हाथ में, एक्सो का मुझे नहीं पता, एक्सो एक्सो, हां एक्सो लिख रहा है, सही बता रहा है,
मैं तो ध्यान नहीं देती कौन सा पेन है। ये लाइन गड़बड़ है, देखो तुमने जोड़ लगाए इसमें, एक ही बार में खींचनी चाहिए, गड़बड़ हो गई। रबड़ दो। हाँ मैं ये याद कर लेना, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी कैपिटल दोनों का टेस्ट होगा, मैंने घर से भी बोला था। अभी याद कर लो इनको, फिर उसके बाद में होगा। लो 8 सेंटीमीटर खींचो, तुम भी खींचो। मैथ्स करना है पहले, मैथ्स कर लो, मर्जी है तुम्हारी। मैथ्स करना है तो मैथ्स का काम कर लो पहले, कोई भी कर लो जो तुम्हें करना। अरे खुद उठा लो ना, उससे क्यों मांगते हो, वो अपना टेस्ट कर रही है। हटना नहीं है ना वहां से, खुद उठा के ले आओ ना बैग, खुद उठा के ले आओ। उससे मत बोलो, उससे बात ही नहीं करनी है। लो नेक्स्ट, लो करो बेटी। देख लो क्या बोल रहा है ये, क्या बेटी बोल रहा है, धेटी वही बोल रहा है। उल्टा नहीं बोलते ना, मैंने बोला ना उल्टा बोलना ही नहीं चाहिए किसी को। और पहली बात तो तुम्हें अपना बैग खुद उठाना चाहिए, वो क्यों देगी तुम्हें उठा के। लाइन पे खींचो, एकदम थोड़ी ऊपर जा रही है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। सीधा तो खींची है इस बार, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ ऊपर चली गई वो। कोई बात नहीं, ये बड़ी है ना थोड़ी लाइन, इसलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तुम्हारे हाथ छोटे छोटे हैं, इसलिए तुम्हारा हाथ रखने में दिक्कत आ रही है। तुम यहाँ भी खींच सकते हो एक नीचे, अगर खींचना चाहते हो पड़ जाएगा। इससे नीचे वाली लाइन में खींच लो इस बार। पहले बिंदी लगा लो कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट और लास्ट वाली, फिर उसके बाद सही खींच पाओगे। नीचे रख के खींच लो, यहाँ पे तो जैसे तुम खींच रहे हो ना गड़बड़ होगा। यहाँ से ऐसे यहाँ तक हाथ दो उंगली, ये जो रबर हटाओ तभी तो तुम्हारा गलत हो रहा है। यहाँ उंगलियां दूसरी भी रखो इस पे, ऐसे दूसरी उंगलियां भी रखो, तभी तो नहीं हिलेगा अगर सही से। पहले तो देखो ना लाइन के थोड़ा सा नीचे सही से रखो, यहाँ से लगाओ लाइन के वहां से लगाओ सही से। पहले देखो, अभी देखो टेढ़ी लाइन है, अभी लाइन ही सीधी नहीं हुई तुम्हारी, थोड़ा सा रुको, दबा के रखो कसके, ताकि एक ही बार में ना हिलेगा नहीं, सीधे जाएगी लाइन। कहाँ तक खींचना है अभी देखना है, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से, हाँ वहां से आगे से नहीं, जीरो से एट तक, हाँ एट पे रुकना है। कोई बात नहीं, तुम एट तक, अभी लाइन अच्छी बनी है तुम्हारी, एट पे ना बिंदी सी लगा दो, बाकी का मिटा देंगे हम, वैसे इधर का मिटा दो, उधर का गंदा हो रहा है तुम्हारा। देखो ये वाला बेकार आ रहा है ना, इधर तो साफ आई है तुम्हारी, तो एट की यहाँ से नाप लो, जी यहाँ से एट यहाँ है ना, यहाँ से एट दोनों क्वेश्चन करते दिखा दूंगी छोटे वाले, यहाँ है ना एट, तो जीरो तुम्हारा यहाँ है, ठीक है। इधर का मिटा दो, वैसे बेकार हो रहा है, अब बढ़िया होगी, इधर का मिटा दो। What should describe in the valley? Try to be. मैंने उसकी बदल लिया। किसकी में? ऐसे दे दिया। Exchange होगी दोनों कॉपी? कोई बात नहीं, पता रहेगी। हाँ। कुछ नहीं होता। अपना नाम पढ़ लिया करो ना। Try to be the best little scrub in there is. ठीक है। आ रहा है भाई नक्श तुम्हें? सही तो खींची है तुमने, दिखाना एक बार। हाँ बिट 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 वाले, बिट ऑफ ब्रेथ, थोड़ी सी घास, तुम तीन का बिट ऐसा बना दो, बिट ऑफ ब्रेथ ऐसे ही वाई बनाने हैं, ये छोटा वाई कहलाता है। सही तो खींची हुई है, क्या दिक्कत है, सब बढ़िया खींचती तुम। सेवन जीरो से खींचनी है, बिल्कुल जीरो से सेवन है, एक ही बार में खींचनी चाहिए। अगर बार बार खींचोगे ना तो वो फिर जोड़ आ जाएगा बीच में, जैसे जोड़ लगा दिया कपड़े में लगा देते हैं। लिख दो, गुड, कितनी सुंदर लगाया तुमने, बीच में 7 सेंटीमीटर लिख दो। आता है यार गंदा काम करके दिखाता है हमें, बहुत बढ़िया है। लाओ मैं नाप के देखूं। अरे अरे दो दो, अरे दे दो दे दो, लाओ लाओ। ये हल्का सा डॉट लगाना, इतना मोटा नहीं लगाना,
हल्का से डॉट आएगा. गुड प्लस माइनस गुड सारे अच्छा बनाएगा तो मिलेगा ही. तो वो मैंने कैसे बताया था नीचे बना रहे हो फिर कैसे बताया था मैंने ये बना दी इसने भी बढ़िया बना दी अभी डुगू ने गुड बढ़िया बनाई है तुमने यहाँ से ऐसे रख रहे थे ना तुम मैंने बताया था ऐसे नीचे रखो और ऐसे दबाना इसको है ना फिर खींचना यूं करके एक बार दबा देना यहाँ हाथ में रबड़ वगैरह कुछ नहीं रखना है कस के दबाओगे ना फिर हिलती नहीं है एक ही बार ना पहले सेट कर लिया क्योंकि लाइन के बाद सही आ रहा है पूरी लाइन सही से है कि नहीं तब पारसी धर्म के लोग होते हैं धर्म में कोई पारसी अरे ये भगवान पासर्स बाय यानी गुजरने वाले राहगीर जो चलते हैं उनको पास पढ़ा था हिंदी में राहगीर पासर्स बाय इसलिए गुजरने वाले पास्ट भी तो होता है पास माने गुजर गए जो पास जावे गुजर चुके ऊपर के टिकट उसके लिए वर्ड है सकंड मींस पास जावे तुम्हारी बुक में था ना सकंड पास जावे मर जाना किसमें मदर टेरेसा में सकंड हो गया था देना टिकट कट गया था उनका द फीलिंग ऑफ सपोर्ट और एग्रीमेंट ये ऊपर चली गई तुम्हारी लाइन ऐसे हवा में उड़ने लगी ऊपर नीचे आनी चाहिए थोड़ी सी मिटा के नीचे वाली लाइन में बना लो ठीक है देखो डुकू एक ध्यान देना ये यहाँ थी ना फिर यहाँ से ऊपर चली गई पहले स्केल को ना सही से सेट करके रखो ऐसे पहले देखो सब जगह से बराबर है रखा है स्केल की नहीं ऐसे चेक करना है पहले इसको मिटा दो थोड़ी सी ऊपर चली गई है अरे यहाँ देखो ना इस लाइन से ऊपर नहीं जा रही है लाइन पे बना रहे थे ना तुम तो मिटा दो फिर नीचे लाइन में बनाना अब उस पर मत बनाना नहीं तो फट जाएगा उस पर बनाना ही और कनिष्का रानी गलत कर दिया तुम ना पढ़ती कुछ भी क्या आ जाओ इधर को बस दूर से मुझे तो आता है कुछ नहीं आता क्या गलत हो गया क्वेश्चन 3 में क्या कंबाइन द टर्म्स टू फॉर्म अलजेब्रा कंबाइन करना है इनको ये वाला ठीक है उधर वाला गलत कर रखे हैं ये भी ठीक है टर्म्स क्या है ये एक जहाँ प्लस माइनस वहाँ दूसरी एक टर्म हो गई है फिर प्लस आ गया ना ये दूसरी स्टार्ट हो गई फिर माइनस आ गया तीसरी कोमा लगना था ये गलत है कोमा लगेगा तो ही तो पता चलेगा टर्म है अगर कोमा नहीं है तो पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहा है क्योंकि एक टर्म दे रखी है ऐसा पढ़ा जाएगा आ रही है समझ में इसलिए ये अलजेब्रिक कोमा लगा तो इसमें बोला ही तो है टर्म्स बतानी है ऐसे इसमें एक प्लस आया फिर ये दूसरी हो गई फिर ये तीसरी और ये चौथी थी तुमने यहाँ कोमा नहीं लगाया इसलिए गलत हुई है तो यही तो इसमें सीखना है और क्या सीखना है कोमा लगाना है प्लस या माइनस जहाँ भी आ रहा है ना बीच में साइन उसके बाद कोमा लगेगा मतलब उससे पहले उस साइन से पहले कोमा लगेगा हाँ सही कीजिए इस बार तो क्या नाइन की नहीं है नहीं दिख रही है मुझे तो क्लियर दिख रही है नाइन की है दिख रही है तुम्हें नहीं दिख रही मैं तो दिख रही है दिख रही है एकदम सही चलो खींच लो एक बार और अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें नहीं दिख रही मुझे तो दिख रही है Coefficient what of according to the point can even a bit of grass do? According to the point can even a bit of grass Now scale up. To make passes by happy Can make a highway like look you, like a Look like a cheerful place and make ये थर्ड है बहुत ही थी फोर्थ है क्या ये थर्ड है फोर्थ दिखाओ एक मिनट थ्री है पहले फोर दे दिया फिर मेरे को मैं थ्री वाला भी करना है थ्री और फोर दोनों करने हैं थ्री और फोर दोनों करने हैं फोर वाला गलत है
उसको बोल रही हूँ, वो कह रही है कि कौन सा वाला है ये बोला उसको। वाला मेरा गलत है। हाँ, दो पॉइंट आगे निकल गए तुम, तीन लगभग, बल्कि फोर वाली लाइन बहुत सुंदर बनाई है तुमने, थोड़ा सा आगे निकल गए हो। प्लेन नहीं, ये सब नहीं लिखना है, वो रेक्टेंगुलर होता है, वो याद करने हैं, कुछ नहीं करना, अभी याद करना है, उसके बाद होगा। बुक से याद करो, पहले याद करो यूनियन टाइटल कैपिटल, या मैथ्स करना है तो याद कर लो पहले, वो मैथ्स के याद करना है, मैथ्स याद कर लो, कहो ना निशान लगा दे, क्या करना है बताओ पहले, मैथ्स याद करो, लिखना भी है, आज ही टेस्ट होगा, इतना नहीं और कोई काम नहीं है। नाम भी करने हैं, नाम भी याद करना है, खुद ही लिखनी है यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी तुम्हारे में है। देखो भाई यहाँ तक होना था, यहाँ जहाँ मैंने बिंदी लगाई है ना, बाकी का मिटा दो बाकी, बस यहाँ तक होगी, लाइन बहुत अच्छी बनाई है वैसे तुमने। चलो भाई मैथ्स का याद करो, किसकी शेप कैसी होती है वाला, ये 9 में है, ये वाले याद करने हैं, तो ये वालों का टेस्ट होगा है, क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट होगा। आगे पेज पढ़ लो, और नेक्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर इसका भी 2, शेप पहचाननी है तुम्हें, इन दोनों क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, ठीक है उसके। तुम्हारा है मैं सोची इसका है, जल्दी करो फिर यूनियन टेरिटरी, जब तुम्हें क्लियर याद हो लिख दोगे तो तुम्हारी छुट्टी है। हाँ, एक स्टोरी पढ़नी है बस, हाँ स्टोरी नहीं, अरे पढ़ना पड़ेगा भाई, करना पड़ता है और क्या, ये करो और ये लिख लोगे और एक स्टोरी पढ़नी है फिर छुट्टी, जल्दी करो फटाफट लाओ। अभी नहीं हुआ, मोदी जी बिल्कुल 4 ही है, वो तो 4 है, वो तो सही है, सारे सही है ना, राइट नहीं लगा क्या उसमें, नहीं, अरे वो सही था तुम्हारा, अरे यार तुमने बेटा, मैंने तो ये वाला बोला था कि इसको कर लेना, ये बहुत अच्छी बनाई है तुमने, लाइन ऐसी खींच ली है कितनी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी आगे चली गई थी। मैथ्स का याद कर लो ये वाला पहले, 9.3 तो कर लो ना पहले, याद करो, ऐसे नहीं करना, एक तो ये वाला याद करना है, 9.3 का क्वेश्चन 2 और 9.4 का भी क्वेश्चन 2, अपनी अपनी बुक ले लो, बुक तो है तुम्हारे पास दोनों की अलग अलग, नहीं है बुक है, अपनी अपनी बुक से पढ़ लो फटाफट, डुकु पढ़ लो, आओ जल्दी याद कर लो जल्दी स्पेलिंग के साथ। मैंने 6th का देख लिया था, और वो 6th नहीं, 3rd काटना पड़ेगा। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, रबड़ खराब कर रहे हो, पागल पागल, याद करो भाई, मैं इसकी बुक दे दो मुझे और अपनी नोटबुक दो, दो जल्दी फटाफट, 9.3 और 4 का क्वेश्चन 2 दोनों का, क्वेश्चन 2 याद करके आओ, आ जाओ जल्दी फटाफट, ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगुलर, स्पेलिंग भी याद करनी है रेक्टेंगुलर की, आर ई सी टी ए एन रेक्ट द वी ए एन, अरे इधर याद करो मामी, आर ई सी टी ए एन जी, नहीं यहाँ जाओ।